वेलकम टू क्लास बीए फर्स्ट ईयर में। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पेपर के अंदर आपके जो कहानी लगती है मधुआ। मधुआ कहानी पढ़ने से पहले हमने दो कहानियाँ पढ़ ली हैं। एक तो हमने पढ़ी थी मद्र कहानी, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई, और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा बुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई मधुआ कहानी। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो लोग हैं मधुआ है, शराबी है, और ठाकुर सरदार सिंह है। कहानी जो है पूरी कहानी क्या है, शराबी और मधुआ के मधुआ एक बालक है, वो क्या है शराबी के जीवन में आता है और उसके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित कर देता है। एक शराबी की जो मानवीय संवेदना है वही इस कहानी में दर्शाई गई है। यह इस कहानी का उद्देश्य भी कहा जा सकता है कि इस कहानी के अंदर एक शराबी की मानवीय संवेदना को दर्शाया गया है। तो कहानी में क्या होता है, जो शराबी वो क्या है, ठाकुर साहब को, ठाकुर जो सरदार सिंह है इसको कहानियां सुनाया करता था। क्योंकि ठाकुर साहब को क्या था, कहानियां सुनने का चस्का लगा हुआ था। इसको क्या था, रोजाना एक कहानी सुनने का चस्का लगा हुआ था, और वो कहानी से कौन सुनाया करता था, शराबी। शराबी किस लालच से सुनाया करता था कि ठाकुर सरदार सिंह को जब वो कहानी सुनाएगा तो बदले में क्या है, वो उसे 1 रुपया दिया करते थे जिससे वह अपने लिए मदिरा खरीदता था, शराब खरीदता था और उसे पीता था। तो इस तरह ठाकुर सरदार सिंह को जो कहानियाँ सुनने का चस्का था, तो वो हर दिन अलग अलग तरह की कहानी सुनने की शराबी को कहा करता था भी आज मुझे हंसी मजाक वाली कहानी सुनाओ, आज कोई धार्मिक सुनाओ, आज कोई राजे महाराजों वाली कहानी सुनाओ। तो जिस तरह की वो कहानी कहता था शराबी उसी तरह की कहानी उसको सुनाया करता था। एक दिन वो कहानी सुना करके आ ही रहा था ठाकुर साहब के घर से बाहर, निकला ही था कि उसे एक छोटे से बालक की रोने की आवाज़ सुनाई देती। वह सोचता है कि ये छोटा सा बालक कौन है, क्यों रो रहा है। तब वो कहता है कि उसने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। उसे रोता देख करके, उसकी गोल गोल आंखों को देख करके, उसके मासूम से चेहरे को देख करके शराबी को उस पर तरस आ जाता है, और उसे वो अपनी किराए की कुटिया में ले जाता है, उसकी जो झोंपड़ी होती है किराए की वहाँ ले जाता है। फिर ठाकुर साहब ने उसे जो 1 रुपया दिया था, पहले उसने मन बना लिया था कि वह क्या है, इस 1 रुपये से अपने लिए मदिरा खरीदेगा और घर जाके आराम से पिएगा। लेकिन जैसे ही उसने मतलब यह बातें वो सोचता सोचता जा रहा था, जैसे ही उसकी आँख खुलती है, अर्थात वो उसने पहले से कुछ नशा तो किया ही हुआ था, आँख खुलती तो खुद को वो मिठाई की दुकान पर पड़ता, वो सोच में पड़ जाता है कि मैं यहाँ मिठाई की दुकान पे कैसे आ गया, मैं मदिरा लेने जा रहा था। फिर उसके मन में उस बालक का चेहरा सामने आता है कि उसने तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया और मैं यहाँ ये 1 रुपये शराब में उड़ा दूँगा, अगर मैं ये मिठाई कुछ पैसे की मैं मिठाई ले जाऊँगा तो वो बालक कितना खुश हो जाएगा। तो उसने मन में वहाँ से सोच लिया कि उस बालक के लिए मिठाई ले लेता हूँ। तो उसने कुछ पैसों की मिठाई ले ली, फिर आगे चला, सोचा अब मैं बचे हुए पैसों की शराब ले लेता हूँ। आगे जाता है, फिर वो मन में उसके आता है कि नहीं, वो खाली मिठाई से ही क्या होगा, उसके लिए और कुछ चीज़ें भी ले लेता हूँ। तो वो पूरा का पूरा 1 रुपया जो है वो उस बालक के खाने के लिए ही वह खर्च कर देता है, अपने लिए शराब नहीं ले पाता है। तो वह सब कुछ लेकर जब झोंपड़े में जाता है और बालक जब उस भोजन को देखता है, वो इतना टूट पड़ता है कि उसने 3 दिन से खाया होता है। ऊपर से सरदार ठाकुर सरदार के जो बेटे हैं कुंवर साहब ने उसको पीट भी दिया था, तो इस तरह से वो पिटा हुआ, रोया हुआ, बुरे उसके हालात थे। तो
एकदम से उसकी दशा को देख करके, उसकी मासूमियत को देख करके, वो जो जिस तरह से टूट पड़ा था भोजन के ऊपर अपने पेट की मतलब अग्नि को शांत करने के लिए, उसकी मासूमियत को देख करके, उसे भोजन के बड़े बड़े ग्रास तोड़कर खाते हुए देख करके, उस शराबी का हृदय परिवर्तित हो गया कि कहाँ मैं इस एक रुपये से शराब पीता, अपने शरीर को ख़त्म ही कर रहा हूँ शराब पी पी के, कहाँ मैंने आज एक बालक की पेट की भूख को शांत किया। उसे मन में इतनी प्रसन्नता होती है उसे खाना खिलाने से, और फिर आगे उसको कह देता है कि अब तू मेरे साथ ही रहेगा, उसको उसके प्रति लगाव हो जाता है, तो वो कहता है कि आगे से तुम मेरे साथ इसी झोंपड़े में ही रहोगे। तभी उस झोंपड़े का मालिक आ जाता है और कहता है कि इतने समय से तुमने मेरे झोंपड़े का किराया नहीं दिया है, ऊपर से एक और अपने साथ रखने के लिए ले आया, तो ऐसा नहीं चलेगा, या तो मेरा किराया दे दो या फिर झोंपड़ा खाली कर दो। तो अंत में क्या है, जो शराबी होता है वो मधुआ को लेकर के कहीं और चला जाता है, उसका झोंपड़ा जो है वो खाली कर देता है, उसकी जिम्मेदारी उठाने का निर्णय ले लेता है, उस बालक को आगे उसकी परवरिश का निर्णय ले लेता है कि जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम रहोगी, तुम्हारा खाने पीने की जो भी तुम्हारी परवरिश की जिम्मेदारी है वो मेरी रहेगी। तो इस तरह से इस कहानी में यही दिखाया गया है कि एक शराबी की जो मानवीय संवेदना है, शराब पीने के कारण क्या है, वो समाप्त नहीं हुए परिस्थितियों को देख करके, उसकी बालक की स्थिति को देख करके उसका भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस तरह से इस कहानी में यही सब बताया गया, यही इस कहानी की समाप्ति हो जाती है कि वो बालक को लेकर कहीं और चला जाता है और उस झोंपड़े को खाली कर देता है। तो कहानी का जो नामकरण है, शीर्षक है मधुआ, इस कहानी का नाम जो मधुआ रखा है जयशंकर प्रसाद ने, वो उस बालक के नाम पर ही रखा है। तो जो कहानी होती है उसका नामकरण या उसका जो शीर्षक होता है, या तो वो उद्देश्य पर आधारित होता है, या फिर वो पात्र के नाम पर आधारित होता है, या फिर किसी परिस्थिति या फिर किसी लेखक ने अपने कौशल के अनुसार अपनी रुचि के अनुसार उसका नाम रखता है। तो इस कहानी का जो शीर्षक जयशंकर प्रसाद ने रखा है वह क्या है, इस कहानी के पात्र के नाम पर रखा है। मधुआ इस कहानी का पात्र है, एक छोटा सा बालक है। तो यहीं पर यह कहानी समाप्त